बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहां आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ द टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, बोथ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेडिंग में देता हूँ जी, व्हाट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्पेलिंग आई होप कि सही होगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी जरा सी इंट्रोडक्शन करते हैं जी। सो द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी तो है मगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वो इक्विलिब्रियम में है। और इसमें आप ये भी लिखे, इवन इफ अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो ये भी लिखे, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्सेस लग रही है लेकिन फिर भी वो रेस्ट में है तब वो इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस लग रही है लेकिन वो वेलोसिटी उसकी वही है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं जी। द स्टेट ऑफ रेस्ट का क्या मतलब, इसकी एक और डेफिनेशन है, नॉन एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ अ बॉडी। अगर मैं लिखता हूं, दिस इज व्हाट non-accelerated state, इससे मैं एक और definition लिख रहा हूं, this is the non-accelerated state of a body, यानी कि उसमें कोई acceleration नहीं होगी जी, कोई acceleration नहीं होगी, acceleration is zero। लेकिन अब acceleration जो है वो linear होती है जो आपने पढ़ा है, और एक दूसरी angular भी होती है alpha, वो भी zero होती है। तो ये again उसी definition से आया, state of rest में भी acceleration zero है और uniform motion में भी acceleration zero है। तो देखें, अब अगर मैं acceleration को zero करके लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि acceleration अगर zero है तो इसका मतलब ये है कि या तो वेलोसिटी जीरो है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है जी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यानी कि द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द चेंज ऑफ टाइम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल माइनस इनिशियल इज अगेन जीरो, तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जीरो वेलोसिटी पे हम इसको कहते हैं जी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा अगर वेलोसिटी है मगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब है कि वी एफ जो है वो इक्वल है वी आई के, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो अगेन वेलोसिटी तो है मगर एक्सेलरेशन नहीं है, अगेन ये इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं जी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब दो मोशंस होती है हमारे पास, एक होती है जी ट्रांसलेशन मोशन, एक होती है जी रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है, यही जो अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है जी। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, जो कि होती है अलोंग द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ यानी जो अभी तक आपने पढ़ा है जी, F is equal to ma होता है। फोर्स लगता है किसी मास के ऊपर तो वो एक्सेलरेट करता है किसी लीनियर पाथ पे। लेट से ये F है, ये मास पे फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट हुआ। सिमिलरली एक होता है जी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो जिस तरह ये फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसी तरह ये टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और जो ये मास है वो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चैप्टर नंबर 5 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब है एक बॉडी एंगुलर मोशन करेगी, एंगुलर मोशन का ये मतलब है जी। अब एंगुलर मोशन में कोई बॉडी क्या कवर करती है जी, तो एंगल कवर करती है, ठीक है जी। यानी एक बॉडी इनिशियली यहां पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट,
एक बॉडी इनिशियली यहां पर है, अब उसने सर्कुलर मोशन की, वो यहां पर आई, तो देखे ये अगर उसने मोशन की है तो देखे ये इसने क्या कवर किया है जी, ये इसने कोई एंगल कवर किया है कि नहीं कवर किया, थीटा बिल्कुल कवर किया, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको आप लिखते हैं ओमेगा से, और दैट वेलोसिटी इज व्हाट, दैट वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ द प्लेन एंगल थीटा अपॉन द चेंज ऑफ टाइम। जिस तरह वेलोसिटी आपके पास जो है, जिस तरह वेलोसिटी आपका चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम होता है, और सिमिलरली फिर एक्सेलरेशन क्या होगी जी, जिस तरह उधर क्या होती है, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन द चेंज ऑफ टाइम, तो इधर एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम होगी। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो इधर v जीरो या फिर ओमेगा भी जीरो आ सकता है, ठीक है जी। सिमिलरली v कांस्टेंट या फिर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर v जीरो है तो उसको कहते हैं जी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर ओमेगा जीरो है, दिस इज फॉर v जीरो, और अगर ओमेगा जीरो है तो दैट इज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी, इसमें ओमेगा जीरो है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है जी, ये मार्कर है मेरे हाथ में पड़ा हुआ है जी, इस पर फोर्सेस तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका नॉर्मल फोर्स है, लेकिन ये रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है जी, मोशन नहीं कर रहा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये अगर मोशन करेगा भी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो दिस इज स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ओमेगा जीरो है, फॉर एग्जाम्पल पंखा है जी, फैन है, सीलिंग फैन लगा नहीं हुआ, तो उसमें क्या है जी, ओमेगा जीरो है, अल्फा उसका जीरो है, सो दिस इज अंडर द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ए जीरो, ठीक, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली डायनेमिक में भी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगेन डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सिमिलरली डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा जी, तो इसमें अगेन डायनेमिक है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, बुक लाइंग ऑन व्हाट, लाइंग ऑन अ टेबल फॉर इंस्टेंस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसकी स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप इस कंसिडर करें एक ऑफ फैन है, ठीक है जी। सिमिलरली अब देखें, कोई कार है जी, वो जा रही है किसी खास स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर है, फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है जी, इधर आपने वेलोसिटी मेजर की 40 किलोमीटर पर आवर, इधर वेलोसिटी मेजर की 40 किलोमीटर पर आवर, इधर मेजर की 40 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो है मगर वो चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको आप कहते हैं जी इक्विलिब्रियम। मोटरवे पे आप 120 पे, लेट सपोज आपने क्रूज कंट्रोल ऑन किया, तो वो आपको कांस्टेंट स्पीड पे लेके जाता है, या फिर आप खुद से ही जाते हैं, ठीक है। तो अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट्स से इसकी एग्जांपल हो गई, कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इधर ओमेगा आपका जीरो नहीं होगा जी, लेकिन अल्फा जीरो होगा, ऑन फैन इसकी एग्जांपल है जी, ऑन फैन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप फैन को ऑन करें, इनिशियली की मैं बात नहीं कर रहा, इनिशियली जब आप उसको ऑन करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगी, वो तेज होके अपने जब पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा, फिर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करेगा, और उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। सिमिलरली जो अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से, वो इन द स्टेट ऑफ क्या है जी, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, सिर्फ और सिर्फ जो है तो क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, इसके कंडीशंस है जी, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, वो हम देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।